हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, रिसेंटली रियलमी XT के लिए 6.04 अप्रैल का न्यू अपडेट रोल आउट किया गया था, एंड आज के इस वीडियो में हम इस डिवाइस का फुल रिव्यू करेंगे कि लास्ट अपडेट के मुकाबले इस अपडेट के साथ डिवाइस की ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसी है। साथ में आपको बताऊंगा इस अपडेट में क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे लाइव टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग रिव्यू, पबजी प्ले करते हुए हीटिंग इश्यूज़ है या फिर नहीं, कैमरा रिव्यू, एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, नेटवर्क स्पीड, तो ऑल ओवर डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि रियलमी XT डिवाइस में कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड गाइस, MIUI 12 वर्सेस Realme UI का एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बना दिया है कि कौन से UI में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं एंड कौन से फीचर किस UI में मिसिंग है, तो ये वाली वीडियो आपको प्राइम बटन पर मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद जरूर से एक बार इसे चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर अपडेट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट का फुल वर्जन आपको मिल जाता है, RMX 1921_11_C.04 का ये अपडेट आपको मिल जाता है। एंड अबाउट फोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेटेस्ट 5 अप्रैल 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है C.04 के इस अपडेट के साथ। तो गाइस, अगर बात करें फीचर्स के बारे में, तो लेटेस्ट अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है, साथ में एक न्यू एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, डॉकवोल्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर गाइस, आप अपनी पर्सनल IDs को ऐड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट, एंड ज़रूरत पड़ने पर यहीं से उसे एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभार गाइस क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दबाजी में घर पर ही भूल जाते हैं, तो इसमें आप ऐड करके रखिए, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं होने वाला, क्योंकि रियलमी की खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है फुल स्क्रीन गेस्चर्स के अंदर। तो अगर आप फुल स्क्रीन गेस्चर्स को अपने डिवाइस में यूज़ करते हैं, जैसे आप होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर पर आपको एक वाइट लाइन का न्यू आइकन्स देखने को मिलेंगे, तो ये गेस्चर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉर्नर से आपको स्लाइड कर देना है, लेफ्ट कॉर्नर से या फिर राइट कॉर्नर से। जैसे आप स्लाइड करेंगे तो गूगल वॉइस असिस्टेंट आपको ऑन हो जाएगा, तो ये न्यू गेस्चर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। एंड जल्दी गाइज, नेक्स्ट अपडेट के साथ सो लूप एप्लीकेशन भी ऐड की जाएगी, जहाँ पर कि आपको ये एडिटिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। इसमें आप अपनी वीडियोज़, फोटोज़ वगैरह को एडिट कर सकते हैं। और गाइस, इस अपडेट के बाद भी आपको न्यू चार्जिंग एनिमेशन डिवाइस में देखने को नहीं मिली है, वही आपको पुराने वाली बुक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तो रियलमी X डिवाइस में अप्रैल अपडेट के साथ डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर रियलमी XT के लिए बताया गया कि अगले मंथ वाले अपडेट में डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी, और जो सोलर सिस्टम, जो प्लेनेट वाली चार्जिंग एनिमेशन है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है नेक्स्ट अपडेट के साथ। और गाइस, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि चार्जिंग एनिमेशन हमारे डिवाइस में शो नहीं होती है, तो दोस्तों, लॉक स्क्रीन पर ही आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन होगा ऊपर, आप चेक कर लीजिए, तो आपकी चार्जिंग एनिमेशन शो नहीं करेगी। तो पहले नोटिफिकेशन को क्लियर कीजिए, उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन आपको दिखाई देगी। और दोस्तों, अगर आपको ये MIUI 12 का सुपर लाइव वॉलपेपर को अपने डिवाइस में अनेबल करना है, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। किसी भी रियलमी के डिवाइस में आप सुपर लाइव वॉलपेपर को अनेबल कर सकते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। गाइज, अगर बात करी जाए फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड है, वो आपको पहले की तरह ही फास्ट देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं तुरंत डिवाइस को ही अनलॉक कर देता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के रिगार्डिंग इस अपडेट में कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर हम बात करें फेस अनलॉक के बारे में, तो यहाँ पर गाइज, आप फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अभी मैं कैमरा के पीछे हूँ, लेकिन फिर भी ये डिवाइस को फास्टली अनलॉक कर देता है। तो फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस भी आपको फास्ट देखने को मिल जाती है, एज लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर के बारे में। तो अपडेट के बाद आप एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर भी देख सकते हैं, 2,30,000 के ऊपर आपको बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है, जबकि पिछले अपडेट में 2,15,000 के अप्रोक्स आपको बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, इस अपडेट के साथ आपको बेंचमार्क स्कोर बेटर देखने को मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो काफ़ी सारे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में मैंने कैमरा सैंपल्स यहाँ पर कैप्चर किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो रिकॉर्डिंग का रेजोल्यूशन देख सकते हैं, 720p एंड 1080p में 30 एंड 60 FPS पर आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि 4K में आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट सैंपल्स हमने कैप्चर किए हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। तो ये आपको लो लाइटिंग कंडीशंस का एक नॉर्मल सैंपल देखने को मिलता है,
तो ये आप देख सकते हैं, जबकि नाइट मोड के साथ आपको यही सैंपल देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस अपडेट के साथ आपको नाइट मोड की क्वालिटी पहले के मुकाबले बेटर देखने को मिल जाती है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। गाइज ये आपको आउटडोर कंडीशंस में नॉर्मल पिक्चर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो डिटेलिंग है, कलर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि इस अपडेट के साथ रियलमी XT का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर देखने को लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैमरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। दोस्तों ये आपको सैम्पल देख सकते हैं 1x जूम में, 2x जूम में एंड 5x जूम में, तो यहाँ पर भी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। और गाइज ये आप यहाँ पर मैक्रो मोड के साथ यहाँ पर कैमरा सैंपल देख सकते हैं, तो इसमें भी डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप मैक्रो लेंस के साथ फोटो कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये आपको नॉर्मल सैंपल देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी डिटेलिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और यहाँ पर यही पोर्ट्रेट मोड के साथ भी सैंपल आप देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको कलर्स एंड डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये वाला सैंपल आप देखिए, एज डिटेक्शन कमाल की आपको मिल जाती है, और जो कलर है वो भी इसने अच्छा कैप्चर किया है। तो इस अपडेट के साथ मुझे लगा है कि कैमरा परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इम्प्रूवड आपको मिलती है। और ये आप यहाँ पर 960 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल देख सकते हैं, तो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग एट 960 FPS बेटर आपको मिल जाती है, जबकि दोस्तों ये आप 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल देख सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी भी आपको बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लो लाइटिंग कंडीशंस में स्लो मोशन को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको कैमरा में डिटेलिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करने के लिए लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। गाइज नेक्स्ट हम चेक करेंगे बैटरी परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर हम 1 आवर के लिए पबजी गेम प्ले करने वाले हैं, तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप फिलहाल के लिए बैटरी देख सकते हैं, 36% डिवाइस में बैटरी बची है। और अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर के बारे में तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 37 डिग्री के अप्रोक्स आपको डिस्प्ले का टेम्परेचर मिल जाता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर भी 37 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। एंड रूम का टेम्परेचर आपको 32.4 डिग्री के अप्रोक्स मिल जाता है। तो दोस्तों 1 आवर का पबजी गेम प्ले करने वाले एंड बीच बीच में मैं आपको बताऊँगा कि कितनी टोटल बैटरी ड्रेन हो रही है। तो गाइस स्मूथ में अल्ट्रा पे आप प्ले कर सकते हैं, बैलेंस्ड में भी अल्ट्रा पे प्ले कर सकते हैं, HD में आप हाई तक प्ले कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम बैलेंस्ड एंड अल्ट्रा में यहाँ पर सेटिंग्स को सेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही प्रेफर करते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपकी कमेंट्स देखी थी। तो गाइज़ गेम स्टार्ट हो चुकी है, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं एंड मिलता हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली 15 मिनट्स का गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड डिवाइस में जो बैटरी बची वो है 31%। तो 15 मिनट के अंदर 5% तक बैटरी यहाँ पर ड्रेन हो चुकी है एंड डिवाइस का टेम्परेचर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का 37.5 आपको मिलता है, जबकि बैक साइड से 36 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली 30 मिनट्स का गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 26%। तो आधे घंटे के अंदर 10% बैटरी ड्रेन हो चुकी है, तो मुझे लगता है बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम्स इस अपडेट में भी आपको मिलती है। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 36.4 आपको मिलता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर आपको 36.37 डिग्री मिल जाता है। तो हीटिंग इश्यूज़ तो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटे का गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है, डिवाइस में जो बैटरी बची है वो आप देख सकते हैं 17% डिवाइस में बैटरी बची है, 36% से 17% तक डिवाइस में बैटरी बची है। तो 1 घंटे के अंदर 19% तक बैटरी यहाँ पर ड्रेन हो गई है रियलमी XT के अप्रैल अपडेट के साथ।
जबकि गाइज Realme 3 Pro में भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें 1 घंटे में 17% बैटरी ड्रेन हुई थी, जबकि Realme XT के साथ 1 घंटे के अंदर 19% तक बैटरी ड्रेन हो चुकी है। तो यहाँ पर इस अपडेट में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम आपको मिलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये अपडेट अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। बाकी गाइज आप कमेंट करके बताइए कि आपके डिवाइस में बैटरी प्रॉब्लम्स कितनी आपको मिल रही है, और टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 डिग्री के ऊपर यहाँ पर जा चुका है। तो अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे आपको मिलता है, लेकिन फिर भी डिवाइस का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा चुका है। तो गाइज अगर आप आउटडोर में गेमिंग करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि 45 प्लस तक आपके डिवाइस का टेम्परेचर चला जाए, और अभी जून जुलाई के मंथ में और भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिल सकता है। तो गाइज इस अपडेट के साथ आपको बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम एंड साथ में हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत कीजिए। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के साथ आपको PUBG परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, तो PUBG में आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला, लेकिन बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम एंड हीटिंग इश्यूज आपको मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर नेटवर्क स्पीड आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड जियो की सिम के ऊपर। तो गाइस ये था इस अपडेट का फुल रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस अपडेट के साथ आपको हीटिंग इश्यूज, बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बाकी कैमरा परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक भी फास्ट आपको मिल जाता है। और गाइस इस वीडियो को मुझे आज ही शाम तक अपलोड करना था, तो टाइम आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें चार्जिंग टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर वो मैं शूट करता तो और भी टाइम हो जाता और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती, और वीडियो भी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए गाइस मैंने इस वीडियो में चार्जिंग टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। तो नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट्स की वीडियो में जरूर से चार्जिंग टेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे और भी काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी रियलमी XT डिवाइस को लेकर। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।